हेलो स्टूडेंट्स, सो इलेक्ट्रोस्टैट सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा है, इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर में हमने उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमने कंडक्टर की सीख ली, चाहे वो स्फेरिकल कंडक्टर हो चाहे वो पैरेलल प्लेट कंडक्टर हो। और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उनकी कुछ एप्लीकेशन हम सीखेंगे जिसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डेली लाइफ में बहुत यूज है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे सर्किट में, हमारे चिप्स में, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, बहुत ज़रूरी। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके एप्लीकेशन क्या है, कहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से इसको समझाऊं कि यार हमारी डेली लाइफ में पानी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे भाई, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हर चीज़ में पानी की ज़रूरत है। अब उस पानी को आप स्टोर कहाँ करते हो? सभी लोग वाटर को वाटर टैंक्स में स्टोर करते हैं और जब मन चाहा हमने उसको यूज़ कर लिया। उसी तरह हमारे इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स को, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चलाने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आएगी? वो स्टोर होती है कैपेसिटर में, वो देता है कैपेसिटर। जैसे वाटर टैंक में वाटर स्टोर करते हो, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है। कैसे, क्या, कब, सब पढ़ेंगे डिटेल में, हम उसको पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए फैन है, जैसे आपने स्विच ऑन किया फैन चल पड़ा, टक 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 फैन चल पड़ा। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे ही आपने स्विच ऑन किया फैन नहीं चला। फिर हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी डंडा वगैरह लेके उसको हल्का सा जर्क देते हैं और वो चल पड़ता है कभी कभी। तो क्या बोलते हैं, भाई इसका कंडेंसर फूक गया। तो वही चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, इसका कंडेंसर फूक गया। वो कैपेसिटर की बात कर रहे होते हैं कि भाई इसका कैपेसिटर ख़राब हो गया है। बेसिकली उस पंखे को जब भी आप खोल के देखोगे, उसको कम्प्लीटली खोलोगे, तो सर्किट में इस तरीके का एक एलिमेंट, ब्लैक कलर का इस तरीके का एक एलिमेंट देखा, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। इसमें एनर्जी स्टोर होती है। क्या एनर्जी स्टोर होती है इसमें? कैसे होगी, क्या होगी, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो बात की बात है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है एकदम? अब ये ही एनर्जी इस फैन को इनिशियल रोटेशन प्रोवाइड करती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? जस्ट लाइक फ्लैश लाइट के बारे में आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। फ्लैशलाइट क्या है? इंस्टेंट एनर्जी। वो इंस्टेंट एनर्जी कहाँ से आ रही है? अरे कैपेसिटर से, कैपेसिटर प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली जो कैपेसिटर है, ऐसे समझो, इट इज़ द स्टोरेज हाउस ऑफ एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना, कैपेसिटर क्या है? इट इज़ द स्टोरेज हाउस ऑफ एनर्जी। इसका इस्तेमाल कहाँ करा जाता है? एनर्जी को स्टोर करने में। कैसी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस फॉर्म में मिलेगी आपको? नॉर्मल सी बात है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि मैं बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एनर्जी है ये। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? अब देखिए, दो वर्ड होंगे, दोनों को ही बहुत डिटेल में क्लियरली पढ़ेंगे। एक वर्ड है कैपेसिटेंस और एक वर्ड है कैपेसिटर। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको सब समझ में आ जाएगा क्लियरली। ये भी पता चल जाएगा कैपेसिटेंस क्या है, ये भी पता चल जाएगा कैपेसिटर क्या है। सबसे पहला वर्ड हम उठाते हैं कैपेसिटेंस। सबसे ही पहला वर्ड होगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, वो किसी भी शेप का हो सकता है। लेट्स से मैंने स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर है, और मान लो मैं इस कंडक्टर को मैं कुछ चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो क्योंकि हमने कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं, ये चार्ज अपने आप को आउटर सरफेस पर रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस।
इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, जिसका फॉर्मूला होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये आर कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, कैपिटल आर से इन्फिनिटी, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो एंड इट्स पोटेंशियल इज ऑन द सरफेस इट इज के क्यू बाय आर. On the potential, it is KQ by R and it is equipotential. ये सब हम पढ़ चुके हैं. क्या मेरी बात समझ में आ रही? जैसे जैसे आप इसको चार्ज प्रोवाइड करते रहोगे, इसका पोटेंशियल विल राइज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल राइज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगी. क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब मान लो मैं कह रहा हूँ आपसे कि इसको आप चार्ज प्रोवाइड करते जाओ, तो जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे वी भी क्या होगा, इंक्रीज. दैट मीन्स क्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट वी. क्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट वी. अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो सम कांस्टेंट इज देयर, और इसी कांस्टेंट को बोलते हैं मेरे भाई कैपेसिटेंस. सुनिए जरा, इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस. आई एम सेइंग इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर. तो बेसिकली कैपेसिटेंस हुआ क्या, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी to hold the charge at a given potential. मान लो मैं कहूं कि भाई मेरे पास दो कंडक्टर हैं A और B. A जो है 1 वोल्ट पे 2 कूलम चार्ज होल्ड कर सकता है, B जो है 1 वोल्ट पे 4 कूलम चार्ज होल्ड कर सकता है. तो बताओ किसकी कैपेसिटी जा. देखिए कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी से समझिए, कैपेसिटी, कैपेसिटी टू होल्ड, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज एट अ गिवन पोटेंशियल. मान लो मैंने पोटेंशियल फिक्स कर दिया, लेट्स से 1 वोल्ट. अब एक कंडक्टर 1 वोल्ट पर 1 कूलम चार्ज होल्ड कर सकता है और एक कंडक्टर 1 वोल्ट पर 10 कूलम चार्ज होल्ड कर सकता है. तो बताओ किसकी कैपेसिटी ज्यादा, 10 कूलम वाले की. तो कैपेसिटेंस क्या हुआ, बेसिकली इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड अ चार्ज एट अ गिवन पोटेंशियल. क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्लियर एकदम. बहुत जबरदस्त फॉर्मूला. बाय द टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये रीडिफाइन होता रहेगा, ये रीडिफाइन होता रहेगा. क्यू क्या है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वी क्या है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम. इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, या तो लिख लो कूलम पर वोल्ट, या फिर इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट वन फैरेड. क्या, फैरेड. क्या मेरी बात समझ में आ रही है. सी इज वॉट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर. क्या होता है मेरे भाई ये कैपेसिटेंस होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड अ चार्ज एट अ गिवन पोटेंशियल. इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज इन एट अ गिवन पोटेंशियल. इट्स एसआई यूनिट इज वॉट, फैरेड. इट्स एसआई यूनिट क्या है, फैरेड. अब मान लो मैं आपसे कहूं कि इस रिलेशन में सी क्यू और वी पर डिपेंड दिख रहा है. मैं कहूं मान लो मैंने क्यू को डबल कर दिया, तो व्हाट इज द चेंज इन द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में क्या चेंज होगा. देयर इज नो चेंज, ध्यान रखना इस बात को. ये वही बात है कि मेरे पास एक 1 लीटर, मेरे पास एक 1 लीटर की बकेट है. अब उसमें 1 लीटर पानी तो आएगा यार, उसकी कैपेसिटी चेंज थोड़ी ना हो जाएगी मेरे भाई. क्या मेरी बात समझ में आ रही. तो चार्ज बढ़ाने से कैपेसिटेंस थोड़ी चेंज हो गया यार. इफ यू आर इंक्रीज द चार्ज, पोटेंशियल विल आल्सो इंक्रीज ना इन द सेम मैनर, बट इट्स रेशियो इज कांस्टेंट. दैट्स व्हाई मैंने कहा था प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो सम कांस्टेंट इज देयर. पहले ही बोल दिया कांस्टेंट है मेरे भाई कैपेसिटेंस. ये वैसी ही बात है R बराबर V अपॉन में I, ओम्स लॉ. R neither depend on V nor depend on I. जो रेजिस्टेंस है रजिस्टर का, वो ना ही तो V पर डिपेंड कर रहा है ना ही वो I पर डिपेंड कर रहा है मेरे भाई. सेम केस जो कैपेसिटेंस है वो ना तो Q पे डिपेंड कर रहा है ना ही V पे डिपेंड कर रहा है. इट डिपेंड ऑन द, ये किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर.
डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज, किस पे डिपेंड करता है ये, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज द मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी बातें क्लियर होती रहेंगी। कैपेसिटेंस किस बात पे डिपेंड करता है, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। ध्यान रखना फॉर्मूले में आ रहा है, बट इट नाइदर डिपेंड ऑन क्यू, इट नो डिपेंड ऑन वी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो मैं Q और V के बीच में ग्राफ प्लॉट कर दूं, मैं Q और V के बीच में ग्राफ प्लॉट कर दूं कुछ इस तरीके से, ये कंडक्टर A ये कंडक्टर B, और कोई पूछे बताओ कौन से कंडक्टर का कैपेसिटेंस ज्यादा, तो बहुत सिंपल है ना मेरे भाई, Q बाय V, C बराबर Q बाय V। दैट मीन्स क्यू वी ग्राफ का स्लोप विल गिव कैपेसिटेंस, QV ग्राफ का स्लोप विल गिव कैपेसिटेंस। लेट्स से दिस इज थीटा वन, दिस इज थीटा टू, और आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, आपको साफ साफ दिखाई कर रहा है थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, दैट मीन्स टेन थीटा वन इज ग्रेटर देन टेन थीटा टू, दैट मीन्स सी वन इज ग्रेटर देन सी टू, दैट मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ बी, दैट मीन्स द स्लोप ऑफ QV ग्राफ गिव्स कैपेसिटेंस, द स्लोप ऑफ QV ग्राफ गिव्स कैपेसिटेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम, पॉइंट एकदम क्लियर है। अच्छा भाई सी क्या हो गया कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, इट नाइदर डिपेंड ऑन क्यू, इट नो डिपेंड ऑन वी, इट विल डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज मीडियम इन विच इट इज प्लेस। अब आप कहोगे सर आप बहुत बार बोल चुके हो ये लाइन, लेकिन बताओ तो सही कैसे। अरे अभी पता कर लेते हैं, कैपेसिटेंस ही होता है ना। मान लो मैं इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालूं, मान लो मैं इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालूं, तो कोई बात नहीं, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, Q की जगह क्या आ जाएगा Q, V की जगह क्या आ जाएगा KQ by R, where K is what? 1/4πε0, value put कर दूंगा, तो Q upon में 4πε0R, Q ने Q को मार डाला, तो C क्या आ गया 4πε0R, most important, ये क्या आ गया, this is the expression of capacitance of a spherical conductor, this is the expression of capacitance of a spherical conductor, where this C depend on R, R is the radius of conductor, that means it depends on the dimension of the conductor, बिल्कुल ठीक, it also depend on the epsilon naught, that means it depend on the medium in which placed। मान लो ये एयर की जगह मैं इसको पानी में रख दूं या कोई डायलेक्ट्रिक डाल दूं, तो कैपेसिटेंस विल चेंज, द कैपेसिटेंस विल चेंज। तो हमने यहां से प्रूफ भी कर लिया द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, देखिए यहां पे ना क्यू आ रहा ना वी आ रहा, द कैपेसिटेंस विल डिपेंड ऑन द डायमेंशन एज वेल एज द मीडियम इन विच इट इज प्लेस। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको अच्छे से नोट कीजिए आप। ओके, सो सी बराबर क्यू वाई बी, ये हमने पढ़ लिया, सी क्या है, क्यू क्या है, वी क्या है, सब हमने पढ़ लिया, द स्लोप ऑफ क्यू वी ग्राफ गिव्स द कैपेसिटेंस, ये सब हमने पढ़ लिया। अच्छा एक बात बताओ, वी क्या है पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल तो कुछ होता ही नहीं है, सारा खेल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मैंने शुरुआत ये करी थी, ये कोई भी एक कंडक्टर है, ये आर्बिट्री शेप का भी हो सकता है, ये कोई भी एक कंडक्टर है, इस पर मैं क्यू चार्ज लेकर के आ रहा हूँ। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा चीज़ें, एकदम पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ क्यू चार्ज लेके आ रहा हूँ, मैं इस पर भी बात करूँगा कि कौन लेके आएगा ये क्यू चार्ज, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अपने कंसेप्ट बिल्ड करिए, पेशेंस रखिए बस। ये मैं कह रहा हूँ ये क्यू चार्ज में लेके आया, कहाँ से लेके आया, कोई रेफरेंस तो होगा। लेट्स से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि इंडक्टर, ये कंडक्टर इंडिया में रखा हुआ है और चार्ज मैं पाकिस्तान से उठा के लेके आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब मैं पहले ही समझा चुका हूँ, इन्फिनिटी का क्या मतलब है, This is also an infinitely long wire or infinitely long pen. My hand is also infinitely long. It will depend from where you are observing the situation. क्या मेरी बात समझ में? मान लो मैं ये चार्ज इन्फिनिटी से उठा के यहाँ लाया, तो बेसिकली ये V है क्या?
मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे और इसको मॉडिफाई करेंगे। तो ये V बेसिकली है क्या? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस कंडक्टर एंड दिस रेफरेंस पॉइंट। वो अलग बात है, द इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। तो जो इसका पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन इस बात को अब ध्यान रख लेना, दिस इज बेसिकली क्यू बाय डेल्टा वी, वे डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ कि यार हमारा मोटो क्या है, हमारा मोटिव क्या होगा? मान लो दो कंडक्टर हैं ए और बी, एक ए का कैपेसिटेंस है 2 और बी का कैपेसिटेंस है 10, और कैपेसिटेंस का मतलब आपको पता ही है, इट इज़ अ कैपेसिटी, किसी चीज़ की कैपेसिटी। अब आप खुद बताओ ए और बी में कौन अच्छा? ऑब्वियसली बी। क्यों सर? क्योंकि बी की कैपेसिटी ज़्यादा है मेरे भाई, उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है। दैट मीन्स हमारा मोटिव ना हमेशा कैपेसिटेंस बढ़ाना होता है, ये बात तय है। हमारा मोटिव हमेशा ये होता है कि कैपेसिटेंस बढ़ाया जाए। अब हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए। देखिए अभी कैपेसिटर क्या है वो मैं आया ही नहीं हूँ अभी तक, ध्यान रखना, सुनना जरा धीरे धीरे। हमारे साइंटिस्ट भाई लोगों ने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए, बहुत तरी तरीके के एक्सपेरिमेंट, कि यार किस तरीके से कैपेसिटेंस बढ़ाया जाए, किस तरीके से किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। एक एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने कि भाई मान लो एक कंडक्टर ये ना, क्लियर, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है भाई, इसका पोटेंशियल है कुछ वी, चार्ज है क्यू, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया? क्यू बाय वी। उन्होंने क्या काम किया, यार इसके नियर बाई एक अनचार्ज कैपेसिटर, सॉरी अनचार्ज कंडक्टर रख दिया। तो अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब इसकी कैपेसिटी को देखते हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ा। अच्छा एक बात बताओ, इसका कैपेसिटेंस अब चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, अरे इसके नियर बाई चार्ज आ गया तो कैपेसिटेंस होगा। अब इसका नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इसका नेट कैपेसिटेंस वी डैश क्या हो जाएगा? वी तो ऑलरेडी था खुद का, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल, लेट्स से वी नेगेटिव, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगा, लेट्स से वी पॉजिटिव। लेकिन ये बात तय है क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके पास है, पॉजिटिव चार्ज इससे दूर है, तो V नेगेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन V पॉजिटिव। ये बात भी तय है, V नेगेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन V पॉजिटिव। दैट मीन्स ओवरऑल ओवरऑल V में से कुछ चीज घटी, मतलब कि V डैश इज लेस देन V। If V dash is less than V and C is inversely, that means capacitance will increase. That means C dash is greater than C. कि कैपेसिटेंस जो थी वो बढ़ गई। मतलब उन्होंने क्या देखा मेरे भाई, कि किसी भी एक चार्ज कंडक्टर के पास में एक अनचार्ज कंडक्टर रख दो तो उसका पोटेंशियल विल इंक्रीज, उसका पोटेंशियल विल इंक्रीज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है एकदम। एक एक पॉइंट समझना आप, एक एक पॉइंट आप समझ। अब उन्होंने और क्या काम किया, उन्होंने कहा कि यार मतलब कि इसके पोटेंशियल को घटाया जाए, कैसे करके मिनिमाइज करा जाए। तो उन्होंने क्या काम कर दिया, उन्होंने कहा कि यार एक काम करो ना, इसको ग्राउंड कर दो, इसके इम्पैक्ट को हम उड़ा देंगे, इसको ग्राउंड कर दो। अब ग्राउंड करने से क्या हुआ कि अर्थ इसको कुछ चार्ज, नेगेटिव चार्ज सप्लाई करेगी, सच दैट इट्स नेट पोटेंशियल विल बिकम जीरो। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। अब उससे क्या हुआ, उससे क्या होगा कि ये ओवरऑल क्या, कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये ओवरऑल कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। मतलब कि ये टर्म घट गई और ये टर्म बढ़ गई, मतलब V में से अब कुछ और ज्यादा चीज माइनस होगी। दैट मीन्स जैसे ही ये किया गया V डबल डैश लेट से वो और भी ज़्यादा छोटा हो गया, वो और भी ज़्यादा छोटा हो गया, लेट से वो V डैश से भी छोटा हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही? दैट मीन्स C डबल डैश इज ग्रेटर देन
सी डैश. दैट मीन्स क्या कहानी है अब, सी डबल डैश इज ग्रेटर देन सी डैश इज ग्रेटर देन सी. क्या मेरी बात समझ में आ रही, समझिए जरा क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए हैं. पहले सिंगल एक आइसोलेटेड कंडक्टर था, उसका कैपेसिटेंस हमने देख लिया सी बराबर क्यू बाय वी. साइंटिस्ट भाई लोगों ने एक अनचार्ज कंडक्टर को, एक अनचार्ज कंडक्टर को पहले कंडक्टर के पास रखा, उसका कैपेसिटेंस स्लाइटली बढ़ गया क्योंकि पोटेंशियल घट गया. अब जो अनचार्ज कंडक्टर रखा था उसको उन्होंने ग्राउंडिंग भी कर दिया, उससे उनका कैपेसिटेंस और बढ़ गया, उससे उनका कैपेसिटेंस और बढ़ गया. अब उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, आप इसको नोट कीजिएगा, इसको आप नोट कीजिएगा, मैं इसको लव करूंगा. उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है. उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं कि यार ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि एक चार्ज कंडक्टर, लेट्स से इस पर प्लस क्यू, और एक और कंडक्टर लो, लेट्स से दिस इज माइनस क्यू. अब इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो लीस्ट हुआ, मतलब कि दो कंडक्टर ले लिए, कैसे, विद इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी चार्ज्ड. दो कंडक्टर ले लिए, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी, सो सी बराबर क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी. और ऐसे ही अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर. तो बेसिकली कैपेसिटर क्या हो गया, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स which store energy in the form of field. अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नॉर्मल सी बात है इसका सारा का सारा फ्लक्स, पॉजिटिव चार्ज से जितना भी फ्लक्स ऑरिजिनेट हो रहा है वो सारा का सारा कहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोलैरिटी कंडक्टर पे. क्या मेरी बात समझ में आ रही. सो देखिए यहाँ पर चीज़ें रुक गई हैं. C बराबर Q अपॉन में वी ए माइनस वी बी, वेयर Q इज वॉट, चार्ज ऑन द कंडक्टर विच इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड V इज वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज कैपेसिटर. माइट बी मे बी आपको अब क्लियर हो गया होगा व्हाट इज कैपेसिटेंस, व्हाट इज कंडक्ट, व्हाट इज कैपेसिटेंस एंड व्हाट इज कैपेसिटर. कैपेसिटेंस क्या होता है, एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज एट अ गिवन पोटेंशियल ऑफ अ आइसोलेटेड कंडक्टर, वेयर कैपेसिटर इज व्हाट, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, अरेंजमेंट है विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या मेरी बात समझ में आ रही है. एंड सी बराबर क्यू बाय वी, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स. क्या मेरी बात समझ में आ रही है. एंड क्यू इज द चार्ज of the conductor which is positively charged, या फिर जिसका potential क्या है, high, क्या मेरी बात समझ में आ रही. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कि मेरे भाई मान लो मेरे पास, दो conductor थे, conductor A और conductor B, दोनों के दोनों क्या हैं, uncharged, neutral. अब मैं काम तो यही करता हूं ना कि चार्ज उठा के लाया और एक कंडक्टर पे डाल दिया, उसका कैपेसिटेंस निकाला. अब ये जो मैं चार्ज उठा के ला रहा हूं, मैं कहीं इंफिनिटी से नहीं ला रहा, लेट से मैं बी से ए तक क्यू चार्ज ट्रांसफर कर रहा हूं. तो ए ने गेन किया और बी ने लॉस किया, तो बी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ए पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. क्या मेरी बात समझ में आ रही है. और वी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी,
और क्यू क्या हो जाएगा, लेट से क्यू, और कैपेसिटेंस क्या हो गया, क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ पहले, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ. If you know electric field, we can also calculate potential difference via this relation. dV is equals to minus E dot dr. Potential difference निकालना है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पर इनिशियल लिमिट, यहाँ फाइनल लिमिट. So V final minus V initial will be equals to minus E dot dr. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? एकदम क्लियर है? सब चीज इस्तेमाल करेंगे हम बहुत अच्छे से, लेकिन आप इस चीज को समझिए, C बराबर Q अपॉन V. आप कैपेसिटेंस और कैपेसिटर में अंतर समझिए. कैपेसिटर इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स विच स्टोर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, विच स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर C इज द कैपेसिटेंस. C इज द कैपेसिटेंस, यहां पर C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, और कैपेसिटर क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? इन पॉइंट्स को आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इनको नोट करिए आप. ओके, सो बिल्कुल बेसिक बेसिक पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं. सी बराबर क्यू बाय वी, सी बराबर क्यू बाय डेल्टा वी, डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस. अच्छा, एक बात बताइए, मान लो मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यार, क्वेश्चनिंग मैंने यहाँ से करी थी, एग्जांपल देना, मैंने वाटर टैंक से इस्तेमाल शुरू किया था, आपको वाटर स्टोर करना है ना, तो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर टैंक? यू कैन स्टोर दैट वाटर इन द रूम ऑल्सो. अरे कमरे में पानी फैला दीजिए, स्टोरेज तो हुआ ना, लेकिन क्या आप उस पानी को इफेक्टिवली यूज़ कर पाओगे? क्या आप उस वाटर को इफेक्टिवली यूज कर पाओगे? नहीं. सेम केस, हमने कैपेसिटेंस समझ लिया, हमने कैपेसिटर समझ लिया, उसका इस्तेमाल भी हमें पता है, इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फील्ड, वी कैन यूज दैट. बट अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, भाई लोगों ने तरह तरह के कैपेसिटर डिजाइन किए, तरह तरह के कैपेसिटर. जस्ट लाइक अगर मैं नाम लूँ, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तरह तरह के कैपेसिटर इस्तेमाल किए, लेकिन जो बहुत इफेक्टिव रहा, या फिर जो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल लाइफ में भी जिसका इस्तेमाल करते हैं, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. मतलब कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स जो कि पैरेलल रखी हुई हैं. क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ. अच्छा, एक बात बताओ, मान लो एक स्फेरिकल कंडक्टर, मैं एक की बात कर लूँ, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, एक स्फेरिकल कंडक्टर, इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से है, कहाँ से कहाँ कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, आर से इन्फिनिटी. ये वही बात है, आपने पानी को कमरे में फैला दिया यार, आपने पानी को कमरे में फैला दिया. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड नहीं है, ये आर से इन्फिनिटी तक फैली हुई है. मतलब कि ज़्यादा इस्तेमाल इसका नहीं है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है. इसीलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इफेक्टिव रहा, वो रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है बेसिकली, मैं आपको समझाऊं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है बेसिकली, इस तरीके से समझो, इस तरीके से दो इक्वल, ये तो अनइक्वल है, दो इक्वल कंडक्टिंग प्लेट्स ली गई और उनको पैरेलली ऐसे अरेंज कर दिया गया, और इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? इसको बोल सकते हैं हम स्फेरिकल, मैं निकलवा दूंगा स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कैपेसिटेंस भी निकलवा दूंगा, कैपेसिटर भी निकलवा दूंगा, सिलेंड्रिकल के लिए भी पढ़ लेंगे हम, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, इट इज द अरेंजमेंट, कैपेसिटर तो है ही अरेंजमेंट दो कंडक्टर का, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स विच आर प्लेस्ड पैरेलल एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर.
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर है। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी को हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हेडिंग डालिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? बेसिकली अगर मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से है। देखिए इस तरीके से, लाइक दिस, दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, वो पैरेलली ऐसे रखी हुई हैं, कुछ सेपरेशन है इन दोनों के बीच में। ध्यान रखिएगा, कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर मैं ले रहा हूँ। एक पैरामीटर हम इस्तेमाल करेंगे स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या होगा? सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टिंग प्लेट्स। ए इज द एरिया, ए इज द एरिया, एरिया ऑफ व्हाट? प्लेट, मतलब कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, दिस वन। लेकिन जब भी हम दिखाएंगे इसको ब्लैक बोर्ड पर या आप बुक खोल के दिखोगे तो इस तरीके का अरेंजमेंट आपको दिखेगा। बेसिकली क्रॉस सेक्शनल व्यू है यार, क्रॉस सेक्शनल व्यू इस तरीके से। ये तो दो प्लेट्स हो गई, ये तो दो प्लेट्स हो गई, लेकिन आपको दिखाया कैसे जाएगा? इस तरीके से, लाइक दिस, क्रॉस सेक्शनल व्यू, सिर्फ ये वाला व्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। स्मॉल डी क्या होगा? स्मॉल डी क्या होगा? सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। कैपिटल ए क्या होगा? एरिया ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स। दोनों का एरिया हम क्या लेंगे? सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स से मैं दो प्लेट्स ले लेता हूँ। मैं क्या ले लेता हूँ? दो कंडक्टिंग प्लेट्स ले ली मैंने इस तरीके से, लाइक दिस। दो कंडक्टिंग प्लेट्स मैंने ले ली हैं। स्मॉल डी इज व्हाट? सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। ए इज व्हाट? ए इज व्हाट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेट्स से मैं क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दूँ। कौन ट्रांसफर करेगा? ये बात की बात है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस क्यू। और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस क्यू। अब बात करते हैं कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। याद कीजिए जब मैंने आपको बताया था आउटर सरफेस पर कैसे चार्ज आता है, टोटल चार्ज बाय टू। टोटल चार्ज क्या है? जीरो। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? जीरो। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा आउटर, यहाँ पर भी चार्ज क्या होगा? जीरो। आउटर में भी कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। अगर यहां जीरो चार्ज है तो ये प्लस, सारा का सारा प्लस क्यू चार्ज कहां चला जाएगा? इनसाइड। और ये सारा का सारा माइनस क्यू कहां चला जाएगा? इनसाइड। दैट मींस देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड हो गई है एक रीजन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? सिर्फ और सिर्फ इस कंडक्टिंग प्लेट्स के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ इन कंडक्टिंग प्लेट्स के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ इनसाइड दीज कंडक्टिंग प्लेट्स, इन कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में है। प्लस क्यू चार्ज यहाँ आ गया और माइनस क्यू चार्ज सारा का सारा यहाँ आ गया। आउटर सरफेस पर चार्ज कितना है? जीरो। आउटर सरफेस पर चार्ज कितना है? जीरो। ये कैसे पता चला? लास्ट लेक्चर में सब पढ़ा चुका हूँ मैं। लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे एक पॉइंट में ले लेता हूँ पी। इस पॉइंट की स्टडी करते हैं। इस प्लस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? राइट वर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज व्हाट? सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज क्यू अपॉन में ए। सिग्मा क्या होगा? क्यू अपॉन में ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इधर की तरफ, राइट वर्ड डायरेक्शन क्या होगी ये? राइट वर्ड। एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी और मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, ई नेट। और वो क्या होगा? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट क्या आ गया? ई नेट क्या आ गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
E net क्या आ गया? Sigma by epsilon naught, where sigma is the surface charge density q upon में a and epsilon naught is the permittivity of free space. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, here electric field is uniform. That means at every point the magnitude and direction of electric field inside these conducting plates is what same. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है. मतलब इस पॉजिटिव प्लेट का सारा फ्लक्स इस नेगेटिव प्लेट पर क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है. मतलब यहां पर एनर्जी क्या हो गई है? कन्फाइंड. यहां पर एनर्जी क्या हो गई है? कन्फाइंड. टोटल एनर्जी यहां पर कन्फाइंड हो चुकी है, सारी की सारी एनर्जी यहां पर. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप क्लियर है? एकदम क्लियर. अब मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है. कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे मालूम है. लेट्स से दिस इज एक्स, इस प्लेट को हम बोल देते हैं एक्स, इस प्लेट को हम बोल देते हैं वाई. मुझे मालूम है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में डेल्टा वी, वेयर क्यू इज द चार्ज, चार्ज ऑन द कंडक्टर विच इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर. यहां पर कंडक्टर क्या है? दो प्लेट x एंड y. दैट मीन्स हेयर डेल्टा v इज वॉट वी एक्स माइनस वी वाई. वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये रिलेशन सभी जानते हैं. डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इंटीग्रेट करता हूं तो सिंपली डेल्टा v क्या आ जाता है? डेल्टा v क्या आ जाता है? इन टू डेल्टा आर. माइनस साइन डायरेक्शन बताता है, वो हमें सबको मालूम. क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज यूनिफॉर्म, और दिस डेल्टा आर. सेपरेशन क्या है? सेपरेशन क्या है? डी. सो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया? ई इंटू डी. पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? इंटू डी. दैट मीन्स कितना हो गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कैपेसिटेंस हम निकालेंगे. कैपेसिटेंस क्या हो गया? क्यू अपॉन में वी एक्स माइनस वी वाई. दैट मीन्स क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं? सिग्मा इंटू ए. क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं? सिग्मा इंटू ए अपॉन में सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो कैपेसिटेंस कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन. क्यों? क्योंकि हम पढ़ने ही वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो व्हाट इज द कैपेसिटेंस of parallel plate capacitor? It is epsilon naught A by D. Again, capacitance depend on the medium in which it is placed, also depend on the dimension of the capacitor. A is the area of conductor. A is the area of cross section of the plates, and D is the separation between them, and epsilon naught is the permittivity. Kya meri baat samajh mein aa rahi hai? Clear ekdam? Kya mera concept ekdam? Kya mere point ekdam clear hai? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, यहाँ से बहुत इजी से प्रॉब्लम कैसे आ सकते हैं. मान लो इस तरीके का अरेंजमेंट उसने दे दिया, बहुत सिंपल सी बात है. इस तरीके का अरेंजमेंट उसने दे दिया कि दिस सेपरेशन इज डी, दिस इज लेट्स से ए, दिस इज लेट्स से बी. व्हाट इज द कैपेसिटेंस? सिंपल है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए. एरिया क्या हो जाएगा? ए इंटू बी अपॉन में सेपरेशन कितना है? डी. क्या मेरी बात समझ में आ रही? ऐसे ना देने की बजाय लेट से उसने प्लेट्स ऐसे दे दी, सर्कुलर, वेयर आर इज द रेडियस एंड दिस सेपरेशन इज डी. तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? सिंपल, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, एरिया अपॉन में सेपरेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन. सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन देम. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? इनको आप नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे हम.
सो हमने पैरेलल प्लेट कैप्चर के बारे में बात कर ली है, पैरेलल प्लेट कैप्चर के बारे में बात कर ली, चर्चा कर ली, उसका कैप्सेंस निकालना हमने सीख लिया, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसको आप ध्यान रखिएगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब हम पढ़ेंगे उसकी वर्किंग के बारे में, कैसे वो काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे बैटरी के बारे में, सेल के बारे में। सिंबल क्या है ये सभी लोग जानते हैं, लेट से इस तरीके का सिंबल आप कहीं देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे। लेट से मैं बोलूँगा ये 5 वोल्ट, तो आप क्या बोलोगे, सर इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट की ये बैटरी या सेल। अब भाई इसका क्या मतलब, अब मैं कहूँ ये जो बड़ा डंडा है इसका क्या मतलब है, छोटा डंडा है इसका क्या मतलब है, तो बच्चों को रटा हुआ होता है 10वीं क्लास तक आपने रट रखा है कि सर ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है। गलत, ध्यान रखना ये हायर टर्मिनल है लेट से ए और ये लोअर टर्मिनल है लेट से बी, और वी ए माइनस वी बी वो क्या है 5 वोल्ट। वी ए माइनस वी बी क्या है 5 वोल्ट, दैट मीन्स 5 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हायर टर्मिनल एंड लोअर टर्मिनल, इट इज नॉट अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वाई, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो ये 5 वोल्ट की बैटरी है, दिस इज बी दिस इज ए, अब मैं इस टर्मिनल को कोई भी पोटेंशियल ले सकता हूँ। लेट से मैंने इसको ग्राउंड कर दिया तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया 0, तो नॉर्मल सी बात है अगर बी 0 हो गया तो ए कितना हो गया 5, ए कितना हो गया 5, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5। लेट से मैं बी को 5 वोल्ट मान लूँ या यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई दे दूँ, तो ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगर बी 5 है तो ए का पोटेंशियल कितना हो गया 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अभी भी 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए कई लोग बोलते हैं नेगेटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ नेगेटिव है, यू कैन, आप ले सकते हो, आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ध्यान रखना दिस इज द स्टैंडर्ड वन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन अ सिंपल मैनर। आप मान कुछ भी सकते हो, सारा रोल है डिफरेंस का, तो ध्यान रखना इट इज नॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट इज हायर एंड लोअर, एंड 5 वोल्ट इज वॉट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स हायर टर्मिनल एंड लोअर टर्मिनल, दैट मीन्स वी एच लेट से हायर माइनस वी एल लेट से लोअर विल बी इक्वल्स टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस, लेट से हमने ले लिया अभी फिलहाल 5 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, एकदम एकदम पॉइंट क्लियर है। अच्छा भाई, अब एक चीज होती है भाई, वर्क डन बाय बैटरी, ये बेसिक बेसिक सी बातें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ जो हम यूज करेंगे, वर्क डन बाय बैटरी क्या है चीज वो समझते हैं। अच्छा एक बात बताऊँ, लेट से ये 5 वोल्ट की बैटरी है और 5 वोल्ट की बैटरी का आपको मतलब भी पता है, मान लो ये सर्किट का एक पार्ट है और चार्ज इस तरीके से फ्लो करा, क्यों चार्ज फ्लो कर गया, अब क्यू चार्ज जो है वो पॉजिटिव से लोअर, हायर से नेगेटिव तक जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जा रहा है। अब आपको मालूम है अगर किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है और वहां चार्ज मूव कर जाए तो वर्क डन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको आता है। वर्क डन क्या होता है, क्यू इन टू डेल्टा वी, तो हेयर वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हायर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है फाइनल माइनस इनिशियल, ये डेल्टा V क्या होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, यहाँ पर V फाइनल क्या है, यहाँ पर V फाइनल क्या है 0 और V इनिशियल क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 5, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये -5Q नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव। लेट से चार्ज मूव कराइए तो यहाँ पर वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी क्यू इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल कितना है 5, वी इनिशियल कितना है 0, तो क्या हो गया ये 5Q वोल्ट।
सॉरी 5 kJ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें हैं, बैटरी के बारे में पता होनी चाहिए आपको, सेल के बारे में आपको पता होनी चाहिए. दिस इज हायर टर्मिनल, दिस इज लोअर टर्मिनल, एंड दिस इज व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर. इफ चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इफ चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यू हैव टू कैलकुलेट दिस वर्क डन बाय बैटरी. वर्क डन बाय बैटरी कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन बाय बैटरी कैन बी नेगेटिव. वर्क डन बाय बैटरी इज पॉजिटिव इफ द चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर टर्मिनल टू हायर टर्मिनल, and work done by battery is negative if charge moves from higher terminal to lower terminal. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम, एकदम क्लियर. एंड दिस चार्ज ऑल्सो कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है. तो ये सारे बेसिक से पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए बैटरी के बारे में, एंड ये जो वर्क डन होता है इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. इस कंसेप्ट को आप नोट करिए, बैटरी के बारे में हम आगे बढ़ेंगे. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, इसको आप अच्छे से नोट करना. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. हायर लोअर, लोअर को मैं जीरो मान सकता हूँ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हायर पर चला जाएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उस तरह से हम इजीली क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं. चलिए हम आगे बढ़ेंगे. आगे हेडिंग डालिए वर्किंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. वर्किंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा. लेट्स से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैं बना देता हूँ. मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया और जो कि इनिशियली है अनचार्ज. इसका क्या मतलब है इनिशियली अनचार्ज का? मतलब है दोनों प्लेट्स पर चार्ज कितना है? इनिशियली जीरो. और यू कैन से दैट बोथ द कंडक्टर्स ऑफ अ कैपेसिटर, इफ आई एम saying the capacitor is initially uncharged, उसका क्या मतलब है? Both the conductors of the capacitor is initially uncharged. That means initially there is no charge on both the capacitors. Sorry, on both the conductors of the capacitor. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Let's say I am saying initially I am taking a uncharged parallel plate capacitor और मैंने उसको एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, मैंने उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. अब मैं आपको बताऊंगा जो मैं कहता हूं ना कि चार्ज को यहां से यहां मूव कराओ, यहां से यहां मूव कराओ, कौन मूव कराता है, सब समझ में आ जाएगा. लेट्स से मैंने एक सर्किट बना लिया, यहां पर एक की लगा दी, इस तरीके का एक अरेंजमेंट बना दिया, और इनिशियली ये क्या है? अनचार्ज. और कैपेसिटेंस क्या है इसका? सी. कैपेसिटेंस क्या है इसका? सी. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम. अब मान लो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है लेट्स से V. बैटरी का पोटेंशियल क्या है? लेट्स से V. क्लियर है? मतलब कि ये हायर है और ये क्या है? लोअर. मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V. दैट मीन्स अगर मैं इसको जीरो बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा? V. क्लियर. इनिशियली की जो है ओपन है. लेट्स से मैं इस की को अब क्लोज कर देता हूँ. अब देखिए क्या हो. तो जैसे ही मैंने इस की को क्लोज किया, पहले मैं बताऊंगा एक्चुअल सिचुएशन क्या हो रही है. पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, फिर मैं आपको क्या बताऊंगा कि बार बार मैं वो चीज़ रिपीट नहीं करूंगा, पढ़ने के लिए हम कैसे समझेंगे वो क्या है वो भी बताऊंगा. लेट्स से मैंने इसको की को क्लोज कर दिया. अब क्या होगा? ये जो हायर टर्मिनल है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना शुरू करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि ये हायर है, पॉजिटिव है, ऐसा मुझे फिलहाल के लिए. और तो ये पॉजिटिव नहीं है आपको मालूम है, ये हायर है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ लेट्स से दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, लेकिन यू नो वेरी वेल दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर. क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो ये पॉजिटिव प्लेट यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगा, विड्रॉ करेगा. दैट मीन्स क्या होगा? अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ डिसाइड कर जाएंगे? यहाँ. मतलब कि यहाँ से चार्ज निकल रहा है इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में और यहाँ पर एक्युमुलेट हो रहा है. मतलब कि यहाँ पर कौन सा चार्ज इकट्ठा हो रहा है? नेगेटिव चार्ज. और यहाँ पर कौन सा चार्ज इकट्ठा हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड. मान लो दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, तो वो दो इलेक्ट्रॉन यहां पे जाके इकट्ठा हो गए. अरे ठीक है ना यार, यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकले और मूव करे और वो यहां पे जाके इकट्ठा हो गए. तो आफ्टर सम टाइम सिचुएशन क्या हो जाएगी? आफ्टर सम टाइम सिचुएशन
सिचुएशन क्या हो जाएगी इस तरीके से, यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा लेट्स से क्यू पॉजिटिव, और यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा माइनस क्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू। और जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, लेट्स से सिचुएशन यहाँ पर कुछ चार्ज प्लस क्यू आ गया, यहाँ पर कुछ चार्ज माइनस क्यू आ गया, क्योंकि टोटल चार्ज जीरो है, दैट मीन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? आउटर सरफेस पे चार्ज क्या होगा? जीरो, कोई चार्ज नहीं होगा। दैट मीन्स ये सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? अंदर, ये वाला भी अंदर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, ये सब हम निकाल चुके हैं। और ये जो अब ये समझो, ये जो चार्ज का फ्लो है ये कब तक होगा? जब तक कि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, या फिर यूं कहो सर्किट में दो ही एलिमेंट हैं, एक बैटरी और एक कैपेसिटर। मैं कह रहा हूं ये चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, या फिर यूं कहो द पोटेंशियल ऑफ बैटरी विल बिकम इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। ये जो यहां पर पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो गया है, जैसे ही ये बैटरी के बराबर हो जाएगा, जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर हो जाएगा, चार्ज फ्लो विल स्टॉप एंड कैपेसिटर विल बिकम फुल्ली चार्ज। वर्ड्स को सुनिए, कैपेसिटर विल बिकम फुल्ली चार्ज, उसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। उसी को क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। मतलब कैपेसिटर अब फुल्ली चार्ज हो गया है, नाउ देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट। समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इनिशियली क्या हुआ, जैसे ही मैंने कि अभी तो बहुत सारे केस लूंगा मैं, इनिशियली कैपेसिटर को भी चार्ज लूंगा भी मैं, जैसे ही मैंने इस की को क्लोज कर दिया, क्योंकि इनिशियली ये अनचार्ज था, कोई पोटेंशियल नहीं था कैपेसिटर में, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था इन दोनों प्लेट्स के बीच में। बैटरी के हायर टर्मिनल ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू किया और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके इकट्ठा होने लग गए। दैट मीन्स ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज होने लग गई और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज होने लग गया। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आनी शुरू हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इनसाइड द कंडक्टर होगी। क्यों? क्योंकि चार्जेस इक्वल हैं और अपोजिट हैं, मतलब आउटसाइड देयर विल बी नो चार्ज। ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेट्स में। अब जैसे जैसे यहां पर पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पोटेंशियल इस बैटरी के बराबर हो जाएगा और सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और जैसे ही सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ, द चार्ज फ्लो विल स्टॉप, बिकॉज चार्ज विल फ्लो ओनली बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज फ्लो विल स्टॉप एंड दैट स्टेट इज नोन एज स्टेडी स्टेट। That state is known as steady state and capacitor will become fully charged. तीन state होती हैं, देखिए, initial state and steady state. अभी फिलहाल दो ही state समझिए, initial state मतलब कि at t is equal to zero, जैसे ही मैंने key को close किया था, initially. And steady state मतलब बिल्कुल final state. चार्ज कैप्सल विल बिकम फुल्ली चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अभी फिलहाल दो स्टेट समझिए, इनिशियल फाइनल, इन बिटवीन भी होती है, बाद में बात करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है एकदम? अब स्टेडी स्टेट मतलब कैप्सल विल बिकम फुल्ली चार्ज। अब ध्यान रखना, एट स्टेडी स्टेट क्योंकि चार्ज फ्लो विल स्टॉप, दैट मीन्स the potential difference across the capacitor must be equal to the potential difference of the battery. क्या मेरी बात समझ में आ रही? फिलहाल इस सिचुएशन के लिए जब एक कैपेसिटर सर्किट में और एक बैटरी लगा हुआ है, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड हुआ है वो एग्जैक्टली बैटरी के बराबर होना चाहिए। अब देखिए, ये तो है एक्चुअल प्रोसेस जो होता है, ये तो एक्चुअल प्रोसेस है, लेकिन
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बार बार ये सब तो रिपीट नहीं करेंगे, तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस बैटरी को कनेक्ट किया, इसको जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऐसे लाइक दिस, तो बैटरी के हायर टर्मिनल ने इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, लोअर टर्मिनल ने इसको माइनस क्यू चार्ज दे दिया, और इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू, मस्ट बी इक्वल्स टू वी ऑफ बैटरी। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्यू बराबर सी वी, यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा सी वी, यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा माइनस सी वी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना, एक्चुअल में बैटरी इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज, बुकों में भी लिखा रहता है बैटरी इज द सोर्स ऑफ चार्ज, रॉन्ग। बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी किसका सोर्स है, एनर्जी का। चार्ज इज सिंपली द कैरियर्स, चार्जेस क्या है, कैरियर, क्या मेरी बात, क्योंकि फाइनली अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहां पर चार्ज बिल्ड तो हुआ लेकिन स्टोर क्या हुई, एनर्जी। कैपेसिटर स्टोर्स द एनर्जी, होल्ड द चार्ज, कैपेसिटर चार्ज को होल्ड करता है, उन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, एनर्जी। दैट मीन्स ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, इट स्टोर्स द एनर्जी। ये कहां से आई बैटरी, इस एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं, इस एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। फिजिक्स समझना जरा, फॉर्मूले तो हर बुक में लिखे हुए हैं, रट लोगे कोई दिक्कत है, उससे कुछ नहीं होने वाला। फिजिक्स समझिए, आप हो क्या रहा है, पढ़ने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने इसने क्यू चार्ज दिया, नेगेटिव टर्मिनल ने इसने इसको माइनस क्यू चार्ज दिया, और ये प्रोसेस कब तक होता रहेगा, जब तक कि इसके क्रॉस पोटेंशियल और इसके क्रॉस पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब यहाँ पर चार्ज कितना आ गया, क्यू बराबर सी वी, यहाँ पर चार्ज क्या होगा, क्यू बराबर माइनस सी वी। लेकिन कल, मतलब ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, एक्चुअल सिचुएशन इज दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही, सो दिस इज द बेसिकली वर्क। इसमें तो अभी और भी बहुत सारे केस लूंगा, इनिशियली कैपेसिटर चार्ज था, क्या मेरी बात समझ में आ रही, कैसे चार्ज का फ्लो करेगा वो सब हम पढ़ेंगे, बैटरी में एनर्जी लॉस वो सब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज द बेसिक, दिस इज वेरी बेसिक पार्ट ऑफ वर्किंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम? इस लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी के ही हम बहुत सारे केसेस लेंगे, जस्ट लाइक कैपेसिटर को मैं इनिशियली चार्ज ले लूँगा, उसमें भी दो केसेस होंगे कि इसका पोटेंशियल इससे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। चार्ज का फ्लो देखेंगे, कहाँ से कहाँ कैसे चार्ज का फ्लो होगा, उस चार्ज के फ्लो के दौरान एनर्जी का भी कुछ ना कुछ लॉस होगा, वो सब हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर है? चलिए ओके, इस लेक्चर को हम यहीं छोड़ते हैं, थैंक यू।